हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू एसएस पिक्चर न्यूज चैनल। तो किस अगले वीडियो में मैं दिखाया था पिक्सार की प्रो टिप्स, आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा पिक्सार मोबाइल का ऐसे प्रो 5 टूल्स है जो आप लोग यूज़ नहीं करते हो एंड जानते होंगे बट यूज़ नहीं करते हो। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग को यही दिखाऊंगा। तो ऐसे सीक्रेट टूल्स है जो आप लोग यूज़ करके फोटो को और भी एक्टिव भी बना सकते हो एडिटिंग के साथ साथ। तो यार, इस वीडियो के अंदर आप लोग को बहुत ही जानकारी मिलेगा, तो वीडियो का एंड तक देखना, स्किप करके मत देखना। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, नया को सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। सर, सबसे पहला टिप्स, तो यहाँ पर क्या करते हो आप लोग, जब फोटो क्लिक करने जाते हो DSLR से हो या मोबाइल से हो, फोटो का क्वालिटी थोड़ा सा लॉस हो जाता है, या मतलब जब हम लोग फोटो क्लिक करते हैं हाथ स्टेबल नहीं रहता है, इसके वजह से क्या होता है फोटो थोड़ा सा घट जाता है, ठीक है। और पोज अच्छा रहता है, हम लोग क्या करते हैं उसी फोटो को सिलेक्ट करना पड़ता है कि यही फोटो अच्छा आया है, इसको एडिटिंग करना पड़ेगा कुछ भी तरीके से, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, जब यहाँ पर बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर लेते हो पिक्सार के अंदर, और लाइट रूम के अंदर जाने के बाद वहाँ पर शार्पनिंग ऐड करते हो, टेक्सचर वगैरह ऐड करते हो, तो पिक्चर जो क्वालिटी है ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे ठीक करना है, पिक्सार के अंदर से ही आप लोग शार्पनिंग डाल सकते हो। एंड शार्पनिंग का काम क्या है, HD क्वालिटी बनाना है, ठीक है। मतलब एक एक हेयर को मतलब अच्छे तरीके थोड़ा थोड़ा देख पाओगे, ठीक है। टेक्सचर वगैरह आ जाएगा यहाँ पर शार्पनिंग डालने के बाद। एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पिक्सार ऐप ओपन करूँगा, और यहाँ पर जो एक फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा इनसाइड में, तो यहाँ पर आप लोगों को इस फोटो के अंदर HD क्वालिटी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर और भी HD करना हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करना, देन यहाँ पर इफेक्ट वाली ऑप्शन मिल जाएगा, थर्ड वाली ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक कर देना, देन यहाँ पर होल्ड करके लास्ट में चले जाना सिंपली, ठीक है। तो लास्ट में आने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लगेगा गाइस, और यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा शार्पनिंग वाली ऑप्शन, ठीक है, शार्पनिंग। तो यहाँ पर क्लिक करना, देखना गाइज यहाँ पर शार्पनिंग बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो इस फोटो के अंदर शार्पनिंग था बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर आप लोग फेदर को कम ज़्यादा कर सकते हो एंड यहाँ पर HD हो जाएगा गाइज, ठीक है। और दिखा देता हूँ राइट पर क्लिक करके, तो बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो यहाँ पर कितना स्मूथली यहाँ पर HD क्वालिटी हो गया है। तो कुछ इसी तरीके से आप लोग शार्पनिंग डाल सकते हो, इसके बाद आप लोग बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके एडिटिंग कर सकते हो। तो ये था फर्स्ट टिप्स, तो चलो चलते हैं हमारे सेकंड टिप्स की तरफ। सर, सेकंड टिप्स, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत लोगों ने पिक्सार एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एडिटिंग करने के लिए। पिक्सार के अंदर फेस वगैरह हाइड कर लेते हैं, फेस सब कुछ एडिटिंग पिक्सार के अंदर ही करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिव टिप करने के लिए फ़ोटो को विगनेट वगैरह जो ऑप्शन मिलता है, विगनेट या इफेक्ट वाली ऑप्शन जो फोटो को और भी एक्टिव बनाता है, सबसे पहले इफेक्ट पर क्लिक करना, और जो इफेक्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक किया था इफेक्ट वाली ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना एंड होल्ड करके पूरा लास्ट में चले आना सिंपली। तो लास्ट में आने के बाद गाइस यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, तो मैं दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर प्रोसेसिंग लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड कर लेना एंड यहाँ पर देखो यहाँ पर मिल जाएगा लेमो, तो लेमो पर क्लिक करना, यहाँ पर थोड़ा सा विग्नेट आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हो, और इसका जो अमाउंट है अमाउंट को कम कर सकते हो, मतलब इसको यहाँ पर कलर हो जाएगा, अमाउंट को बढ़ाओगी तो ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। एंड कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाओगी तो बहुत ही बेकार लगेगा, सिर्फ यहाँ पर विगनेट को डाल सकते हो कुछ इसी तरीके से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखो और भी एक ऑप्शन मिल जाता है विगनेट, तो यहाँ पर साइड में देखो विगनेट, तो यहाँ पर आप लोग साइज को बढ़ा सकते हो और यहाँ पर फेदर को थोड़ा सा कम कर सकते हो कुछ इसी तरीके से, मैनुअली आप लोग कर सकते हो। और फिर यहाँ पर मिल जाता है ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट के ऊपर क्लिक करना और इसका फेदर को कम ज़्यादा कर सकते हो एंड विगनेट को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक इफेक्ट भी साथ साथ मिल जाता है और भी अच्छा लगता है फोटो के अंदर ये फिल्टर यूज़ करने के बाद। तो जिन लोग नॉर्मली कर सकते हो तो कर लेना, एंड नहीं करना है तो सिर्फ विगनेट को यूज़ करके और भी एक्टिव भी बना सकते हो फोटो को। तो ये था सेकंड टिप्स, तो चलो थर्ड टिप्स की तरफ। सर, थर्ड टिप्स, बहुत लोगों ने फोटो जब क्लिक करते हैं पेड़ वगैरह के पास, तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं फेस को सिर्फ कलर जो कलर है वही रहना चाहिए, सिर्फ बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट रहना चाहिए। तो लाइट रूम तो यूज़ करना नहीं आता उन लोगों को, सिर्फ यहाँ पर पिक्सार के अंदर से करना सीखना चाहते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं टूल्स में जाके एडजस्ट वगैरह ठीक करते हैं, फिर वहाँ पर नहीं होता है, फेस वगैरह व्हाइट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आप लोग मैनुअली वन क्लिक में कर सकते हो, कैसे मैं दिखाता हूँ। फिर से इफेक्ट पर क्लिक करना यहाँ पर, देन सिंपली यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को कलर्स, देखो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कुछ इसी टाइप से होल्ड करके लास्ट में चले आना सिंपली, ठीक है। लास्ट में मिल जाएगा कलर्स, तो कलर्स पर क्लिक करना यहाँ पर। यहाँ पर देखो सबसे पहला जो ऑप्शन है कलर स्प्लैश, तो यहाँ पर क्लिक करना और एक सर्कल आप लोगों को ले लेना है, उसी सर्कल को आप लोग फेस के ऊपर रख देना है जिसको कलर नहीं करना है, ठीक है। देन यहाँ पर रख दिया, तो देखो बैकग्राउंड जो है ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। एंड यहाँ पर जो इसका ह्यू है, ह्यू को ज़्यादा बढ़ा दोगी तो यहाँ पर फेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा आएगा, तो वो हट जाएगा वहाँ से, ठीक है। देन यहाँ पर आप लोग मैक्सिमम ह्यू को कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है।
एंड आप लोग यहाँ पर सिंपली डन कर देना, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पर कुछ इसी टाइप से आप लोग कर लेना है, ठीक है। तो ये था थर्ड टिप्स, तो चलो चलते हमारा फोर्थ टिप्स की तरफ। सो यार फोर्थ टिप्स, तो फोर्थ टिप्स में क्या होता है, बहुत लोगों ने एडिटिंग करने के बाद टेक्सचर ढूंढते हैं, ठीक है। तो टेक्सचर कैसे लाओगी, पिक्सट के अंदर ही मिल जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। और ये टिप्स मैं एनएसबी पिक्चर भाई से सीखा हूँ, कुछ दिन आगे ये टिप्स दिया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। सो टेक्सचर ऐड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इफेक्ट पर क्लिक करना, और यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा बहुत सारे ऑप्शन। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है देखो आर्ट टिक्स, तो यहाँ पर आप लोगों को होल्ड करके साइड में चले आना, तो यहाँ पर आर्ट टिक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक कर देना, देन यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना साइड में, और लास्ट में देखो यहाँ पर इनबॉक्स लिखा है, तो इनबॉक्स पर क्लिक करना, और इसका जो फेतर है आप लोग राउंड आप लोग जीरो ही कर देना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सचर चाहिए मुझे, तो यहाँ पर सेव कर लेता हूँ इस वाली फ़ोटो को, ठीक है। सेव करने के बाद अब हमें लोगों को करना क्या है, यहाँ पर आप लोग कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो, मतलब फेस वगैरह यहाँ पर स्मूथ कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ फेस को, रिटच सिलेक्ट करके मान लो ये कर लिया, यहाँ से डन पर क्लिक। तो थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है, फीका लग रहा है यहाँ पर, तो राइट पर क्लिक। सिंपली क्या करना है, ड्रॉ टूल के अंदर चले जाना सिंपली गाइस, और यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर प्लस आइकन में क्लिक करना, फोटो लेयर पर जाकर उसी वाली फोटो को ऐड कर लेना सिंपली। तो इस वाली फोटो को अभी कभी सेव किया था, राइट पर क्लिक कर देता हूँ सिंपली। इसको इसका जो ब्लेंडिंग मोड है, ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देना है ओवर लेयर, ठीक है ना गाइस। ओवर लेयर चेंज करने के बाद यहाँ पर जो टेक्सचर था वापस आ जाएगा, कैसे मैं दिखा देता हूँ, इसको बिफोर आफ्टर करके दिखा देता हूँ। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऑसम लग रही है। यहाँ पर फेस भी स्मूथ हो चुकी है एंड यहाँ पर टेक्सचर भी वापस आ चुकी है। तो ये था फोर्थ टिप्स, तो चलो चलते हमारा फाइव टिप्स की तरफ। सो यार फाइव टिप्स, तो बहुत लोगों ने क्या करते हैं, कुछ भी एडिटिंग करने के बाद आइस को कलर चेंज करने के लिए, मतलब डेविल लुक देने के लिए आइस का पीएनजी लगाता है, एंड हेयर का कलर चेंज करने के लिए हेयर का कलर पीएनजी लगाता है। ये सब कोई ज़रूरत नहीं भाई, एप्लीकेशन के अंदर सारा कुछ मिल जाता है, सिर्फ आप लोग को दिमाग लगाओ और जो टूल्स वगैरह है थोड़ा सा ढूंढो, मिल जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, सबसे पहले यहाँ पर देखो रिटच, मतलब जो ब्यूटीफाई वाली जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना सिंपली। देन यहाँ पर आप लोग फेस को स्मूथ कर सकते हो, यहाँ पर आइस वगैरह ठीक कर सकते हो, एंड यहाँ पर होल्ड करके साइड में चले जाना, यहाँ पर मिल जाता है हेयर कलर्स। तो यहाँ पर सिलेक्ट करना, ऑटोमेटिकली हेयर का कलर सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब हेयर सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग कोई भी कलर दे सकते हो, ठीक है, व्हाइट वगैरह, व्हाइट या रेड, कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो। तो मैं कुछ भी चर्चा नहीं करूँगा, फेंक लगता है भाई ये। तो ये कुछ इसी तरीके से हेयर का कलर सेट कर सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ आइस का कलर कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पर भी मिल जाता है आइस का कलर, आइस का कलर क्लिक करोगी यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा दो सर्कल। तो यहाँ पर आप लोग मैनुअली कर सकते हो, सैचुरेशन बढ़ा के, ओपेसिटी बढ़ा के, ठीक है। तो कुछ भी, मतलब कुछ भी कलर रेटिंग कर सकते हो आइस का, ठीक है। तो जैसे मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ, एडिटर सिलेक्ट करके एक्स्ट्रा पार्ट एडिट भी कर सकते हो, बहुत ही मतलब सही टिप्स है यहाँ पर। तो सिर्फ यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के कर लेना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से देख सकते हो, थोड़ा सा क्लिक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कलर चेंज करके। सो देख सकते हो बहुत ही मतलब बहुत ही गजब लग रही है। तो कुछ इसी तरीके से आप लोग आइस का कलर, हेयर का कलर चेंज कर सकते हो। सर आज तक ये पिक्सट मोबाइल का फाइव सीक्रेट टूल्स एंड ट्रिक्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा नया कुछ सीखने को मिला होगा और कुछ जानकारी मिला होगा। तो यार वीडियो को थोड़ा सा पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मुझे कमेंट करना, और भी वीडियो बनाऊंगा लाइट रूम स्नैपशीट के बारे में। सो ऐसे कैसे नया वीडियो मिलते रहे, तब तक के लिए गुड बाय।